आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि आप NIOS में TMA ऑनलाइन कैसे अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके बारे में जो छोटी-छोटी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो ना करें, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास आपका रेफरेंस नंबर भी होगा, आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर भी होगा, आपका जो आईडी कार्ड होता है उस पर आपका एनरोलमेंट नंबर दिया होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वैसे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो NIOS लॉगिन वहां पर भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है एंड फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपके डैशबोर्ड पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ लास्ट में नीचे मिलेगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा डाउनलोड TMA, अपलोड TMA, TMA स्टेटस। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि हमारा जो ऐप है कोर्सर क्लासेस वो प्ले स्टोर पर आ चुका है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपके एक चैट बॉक्स दिया है, यानी कि आपके जो भी डाउट है आप वहां पर जाके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, वहां से हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैम हमें ट्यूशन नहीं मिल पाता, काफी ऐसे स्टेट है जहाँ पर बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पाता और बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, तो ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। डेमो वीडियो भी वहां पर है तो आप उनको देख सकते हैं, देन उसके बाद में आप कोर्स ले सकते हैं। कोई डाउट है तो वहां पर वैसे चैट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, अदरवाइज आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, आप इस पर भी आपके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोर्स रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है अपलोड TMA वाले पे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे इस बच्चे के पास इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, आपका बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, चार सब्जेक्ट हैं इस बच्चे के। आपको क्या करना है, व्यू एंड अपलोड TMA पर क्लिक करना है। जब आप इस पर करोगे, जिस भी सब्जेक्ट का आप कर रहे हो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इस तरीके से, जिस भी सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे उसके सामने आपका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट मीडियम, आपको बहुत केयरफुली अपने मीडियम को सिलेक्ट करना है, जिस मीडियम में आपने अपना PDF बनाया है, ठीक है, अपने असाइनमेंट की जो PDF बनाई है। एक तो आपको PDF क्लियर बनानी है, MB यानी कि 5 MB में बनानी होती है, कितने MB में, 5 MB में बनानी होती है, ठीक है। लेकिन इसको कम करने के चक्कर में कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, PDF को ब्लर कर देते हैं, वो आपको नहीं करना, PDF को केयरफुली चेक कर लेना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, मीडियम सिलेक्ट करना है। अब आपने जिस मीडियम में अपने असाइनमेंट बनाए वो मीडियम सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आप चाहो तो डाउनलोड TMA कर सकते हो, आपकी चॉइस है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप क्या करें, डायरेक्टली अपलोड वाले पे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ब्राउजर पे और इस पर क्लिक करके आपने जो PDF अपने फ़ोन में सेव कर रखी है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका TMA अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो केयरफुली आपको क्या करना है, TMA को अपलोड करना है। अगर आपको नहीं आता, आपको PDF बनानी नहीं आती, तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, इनकी हेल्प से आप असाइनमेंट अपलोड कराने में भी इनकी हेल्प ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आप बेस्ट असाइनमेंट भी ले सकते हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में हमने देखना था किस तरीके से आपको ऑनलाइन TMA अपलोड करने हैं कोर्स लेने के लिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऐप का, आप वहां से हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।